हेलो दोस्तों, होप यू आर गुड। आज का टॉपिक सम स्पेशल सीरीज क्लास 11th को बिलोंग करता है और जिनके लिए भी यूजफुल हो वो भी इसको समझ सकते हैं। कोई IIT JEE वगैरह के स्टूडेंट हो, इवन दे कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक गुडली। तो इसमें सम ऑफ स्पेशल सीरीज के लिए कुछ बेसिक जो सम्स हैं, जो स्टैंडर्ड सम्स हैं, उनको पहले समझें और कुछ नोटेशंस भी समझ लें। जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, R इज इक्वल टू 1 to n, R सिग्मा के अंदर R लिखा है, तो ये समेशन है। R की वैल्यू आपको 1 प्लस, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, अप टू कहाँ तक आप रख सकते हैं, अप टू n तक रख सकते हैं। और R इज इक्वल टू 1 to n, R स्क्वायर अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। R इज इक्वल टू 1 to n अगर आपके पास होगा R क्यूब, तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब। और अगर ऐसा लिखा हो R इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ K लिखा है, K मतलब 1 2 3 4 5, R नहीं है, तो इसका मतलब होगा K plus K plus K, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, और इसका K n टाइम्स होगा KN, और इसकी वैल्यू होगी ये आपको ध्यान रखने हैं। इनके अगर आप डेरिवेशंस चाहते हो तो आप मुझे लिख दें, तो मैं आपको इन दोनों को डिराइव करके भी बता सकता हूँ। ये तो सम सिंपल है, इसको n बाय 2 फर्स्ट प्लस लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये AP है, ये AP है, ये AP नहीं है। आप इनका इनका डिफरेंस देखो, आप इनका इनका डिफरेंस देखोगे 3 है, इनका इनका डिफरेंस देखोगे तो 3 स्क्वायर प्लस 9 9 में से 4 गया 5, तो इनका डिफरेंस जो है वो AP नहीं है, AP मतलब कांस्टेंट नहीं है। जैसे इसमें देखिए ना आप, 1 है इसका डिफरेंस, इसका भी 1 है, सबका 1 1 1 आ रहा, तो वो AP बन जाती है, पर इसमें डिफरेंस जो है वो AP नहीं बनाता, क्योंकि ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो दिस इज़ नॉट एन AP, ये भी AP नहीं है, ये भी AP नहीं है, ये AP है, इसको AP भी कहते हैं, इसको GP भी कहते हैं, इसको HP भी कहते हैं। तो ये तो कॉमन है सबके लिए, तो ये तो पुराने प्रिंसिपल से है कि आपको 5 5 रुपए किसी ने 200 बार दे दिए, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 200 टाइम्स, तो 5 into 200 हो गया, उस तरह से K plus K plus K n टाइम्स, तो इट बिकम्स K into n। तो ये था आपका स्पेशल सीरीज के जो बेसिक सम्स हैं, जो हमारे यूज में आने वाले हैं, वो सारे सम्स मैंने लिख दिए। अब आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, तो उन क्वेश्चंस के सम्स निकालने के लिए, तो जैसे मैं आपको पहले एक सम लेकर के बताता हूँ, आप उसको देखिएगा, गौर से देखिए और समझिएगा। 1 into, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है 1 आपका, फाइंड सम ऑफ द सीरीज वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5 अप टू एन टर्म्स एन टर्म्स तक का सम निकालना है आपको इस सीरीज का। तो इस सीरीज का एन टर्म्स का सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसका एन टर्म्स का सम निकालने के लिए ध्यान से देखें आप, इसको SN मान लेंगे, क्या मान लेंगे, SN किसको मान लेंगे, 1 into 2, ये डॉट इंटू के लिए है, 2 into 3 into 4 3 into 4 into 5 अप टू n टर्म्स। अब आप इसका nth टर्म निकाल लें, nth टर्म निकालेंगे, उसको हम बोलेंगे TN। इसका ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड है, थर्ड है, इसका nth टर्म, तो nth टर्म को TN भी कह सकते हैं, या एक और भी काम कर सकते हैं आप, rth टर्म निकाल लें, rth टर्म को हम बोल देंगे TR,
क्या बोल देंगे टी आर। तो आरएथ टर्म होगी इसकी, देखो आप पहली देखो 1 2 3 जो 1 2 3 चल रहा है 1 2 3 डैश डैश डैश, इसका आरएथ टर्म टी आर, इसका आरएथ टर्म इनटू में क्या आएगा, इनटू में देखिए 2 3 4 2 3 4 इसका आरएथ टर्म, फिर अगले में किसका आएगा, अगले में जो बच गया ये जो बाद में आ रहा है देखिए 3 4 5 इसका 3 4 5 इसका आरएथ टर्म, इसको टी आर डबल डैश कह दिया मैंने। तो इनका जो आरएथ टर्म है 1 2 3 अप टू टी आर, तो इसका आरएथ टर्म कैसे निकाल सकते हैं आप, तो फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, अगर ए पी है तो ये ए पी ही रहती है, अंदर तो ए पी है ना 1 2 3 देखो 1 2 3 तो 1 2 3 का आरएथ टर्म क्या होगा, तो यहाँ ए की जगह क्या लिख देंगे 1 आर माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का है 1। वैसे तो सिंपली आपको समझ में आ रही होगी कि ये इसका आरएथ टर्म होगा आर, इसका आर प्लस 1 होगा और उसका आर प्लस 2 होगा। बावजूद इसके जब आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ध्यान से देखिए आप, आएगा 1 × 3 स्क्वायर 3 × 5 स्क्वायर प्लस 5 × 7 स्क्वायर, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप फिर गड़बड़ हो जाएगी हमसे और वो गड़बड़ फिर अपने को दुख देगी, तो फिर इसमें आप ऐसे आसानी से नहीं निकाल पाओगे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो इसका आसानी से भी आता है, पर आप प्रोसीजर समझें, 2 3 4 का निकालना आपको, तो ये हो जाएगा 2 + r - 1 × d, d कितना है इसमें, ये 3 + r - 1 × 1। अब मैं सिंपली है, बहुत सिंपल है, मैं लिख देता हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, ये दोस्तों आपके पास आ जाएगा r r प्लस 1 r प्लस 2, ये इसका आरएथ टर्म आ गया। अब उस आरएथ टर्म में अगर r की जगह आप 1 डाल दो, ध्यान से सुनो, अगर आप उस r में 1 डाल दोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3, अगर आप t 1 डाल दोगे तो, और आप 2 डाल दोगे तो, 2 डाल दोगे तो आपको मिलेगा 2 3 4, ये सब मिलने चालू हो जाएंगे आपको, ये जो लिखे हुए हैं ना वो 2 3 4, टी थ्री में क्या आएगा आपके पास 3 4 5 आ जाएगा। हमको फिर क्या करना है, हमको सारी ये जो टर्म्स है इन सारी टर्म्स को ऐड करना है, मतलब हमें कैसा करना है, टी वन से लेके टी टू टी थ्री से लेके कहाँ तक ऐड करना है टी एन, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना हम, क्या लिख सकते हैं, समेसन टी आर। अब समेसन में टी आर लिखा और आर क्या है, आर 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर इज इक्वल टू 1 to n, समेसन आर इज इक्वल टू 1 to n टी आर। अब ये आपका फॉर्मूला बन गया, किसका, एस एन का, ये सब क्या है, यही तो है एस एन, तो एस एन का क्या फॉर्मूला बना, तो ये फॉर्मूला भी अब आपने दिमाग में बिठा लें, एस एन इज इक्वल टू होता है समेसन टी आर, r इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये हो गया आपका sn। तो अब sn निकालना है हमें, ये sn कितना है हमारे पास, sn है समेसन r इज इक्वल टू 1 to n tr, tr का वैल्यू कितना है, वो लिखा है आपका tr का वैल्यू r r प्लस 1 r प्लस 2, इस r r प्लस 1 r प्लस 2 को आप यहां पे खोल ले, r r प्लस 1 r प्लस 2 को अगर ओपन कर लेंगे यहां पर आप सेपरेटली भी कर ले, तो r इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 2, और जब ओपन करेंगे तो आ जाएगा r क्यूब प्लस, तो यहां पे लिख दे वैल्यू r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r, आप इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे, अब सिग्मा सेपरेट कर लें, समेशन, समेशन और सिग्मा एक ही चीज है, ये सारे समेशन सेपरेट कर दिए। अब जो रिजल्ट्स मैंने बताए थे आपको वो रिजल्ट्स यहाँ अप्लाई करना है, तो मैं रिजल्ट्स फिर से यहाँ लिखूँ, वो
आप अपनी कॉपी पे लिख ले और मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट बता देता हूँ। वो रिजल्ट है पहला वाला, एन एन प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर, थ्री एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और ये वाला जो है टू एन एन प्लस वन बाय टू। आप चाहें तो ये अपॉन का टू ना भी काटें तो चलेगा, क्योंकि हम एन एन प्लस वन बाय टू कॉमन ले लेंगे, एन एन प्लस वन बाय टू कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एन एन प्लस वन बाय टू, यहाँ भी कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ आ जाएगा थ्री, ये बचेगा टू एन प्लस वन बाय टू, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे थ्री बचेगा, प्लस यहाँ भी टू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे केवल टू बचेगा। ये थ्री से ये थ्री चाहे तो आप कैंसिल कर देंगे, कोई बात की बात नहीं। अब आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो हमारा सम आ जाएगा। तो इसका सम देखिए कैसे आएगा, इज इक्वल टू एन एन प्लस वन बाय टू, ये तो हो गया ब्रैकेट में, अपॉन एलसीएम लेना है तो एन स्क्वायर प्लस एन बाय टू, चाहे तो आप एलसीएम भी ले लें, तो ये प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन, प्लस टू टू जा कितना हो जाएगा फोर, होल अपॉन में कितना आएगा टू, तो ये आ गया आपके पास एन एन प्लस वन बाय टू इंटू टू फोर। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस फोर एन प्लस टू प्लस फोर, एन एन प्लस वन बाय फोर, एन स्क्वायर प्लस फाइव एन प्लस सिक्स। अब आप ये वाला जो पोर्शन है इसके और फैक्टर बन सकते हैं, तो इसके फैक्टर बना लीजिए, तो फैक्टर इसके बनाएंगे तो आप ऐसे बन गए एन एन प्लस वन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स की यूज करके फैक्टर बना सकते हो, एन कॉमन इन दोनों में से, इन दोनों में से थ्री कॉमन, दोनों में से एन प्लस टू भी कॉमन ले ले, तो जब आप एन प्लस टू भी कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा एन एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री अपॉन फोर, सॉरी फोर। ये आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, एस एन इज इक्वल टू, तो ये उस क्वेश्चन इसका आंसर है वन इंटू टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू फोर, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ और उसके बाद हम बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, आप साथ में रहें। देखिए थोड़ा इजी क्वेश्चन है पर ये आपकी बुक का है, तो ये आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल टू सॉल्व योरसेल्फ, लेकिन क्वेश्चन आप देख लें, ये एनसीईआरटी भी बुक है आपकी और इसका क्वेश्चन नंबर वन है, ये था क्वेश्चन नंबर टू जो हमने किया, अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर वन, तो ये आपका क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा टू है वन, ये एनसीईआरटी का कौन सा है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर वन है, वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, इंटू लिखा है इसमें पिछले के जैसा ही है, अप टू एन टर्म्स इसका सम निकालना है, तो बात सारी आपको मालूम है। टी आर क्या होगा आपका, मैं टी आर लिख देता हूँ, आर आर प्लस वन, और एस एन बराबर हो जाएगा सिग्मा टी आर, इसको ओपन करके केवल आपको यहाँ वैल्यू रखना है और वैल्यू रख के कॉमन लेना है और आपका आंसर जो है आप अपनी बुक से मिला लीजिए। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर, तो कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर टू। अब आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, हमारा भी क्वेश्चन नंबर थ्री हो रहा है,
ये क्वेश्चन नंबर थ्री ऐसा है, 3 × 1 स्क्वायर, 5 × 2 स्क्वायर, 7 × 3 स्क्वायर, अप टू एन टर्म्स। अब इसका टी आर कैसे लिखेंगे? तो इसका टी आर लिखना है दोस्तों, तो आपको 3, 5, 7 ……, इसका टी आर लिखना पड़ेगा, और 1, 2, 3 इसका टी आर लिखना पड़ेगा, और होल स्क्वायर। दोनों के टी आर अलग अलग है इसलिए एक में डैश लगा दिया। इसमें आप एपी का फॉर्मूला लगाएं, 3 + r − 1 × d, और उसमें भी लगा दें आप 1 + r − 1 × d। इसमें d कितना है? इसमें 1 का डिफरेंस है, और होल स्क्वायर इसमें है, तो होल स्क्वायर ऊपर लगाएं, अंदर ना लगाएं, अंदर नहीं लगेगा, ऊपर लगेगा। तो ये आपने लगा दिया। अब देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 ही है, तो देखो इसको, ये क्या हो जाएगा आपके पास 3+, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा 2r + 1, ये हो गया आपका 2r + 1, और वो हो गया आपका r, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा r² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2r³ + r², ये है आपका tr। Sn कितना है? σr = 1 to n, इसको आप फॉर्मूले जैसा रट दे, बिल्कुल याद रखना आपको, σr = 1 to n, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2r³ + r² r = 1 to n। और अब क्या करना है आपको, वो जो वैल्यूज लिखाई थी मैंने फॉर्मूले के फॉर्म में, वो वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। फिर इसके बाद का काम बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है, इसके बाद वाला काम बहुत आसान है, पर अभी वैल्यू रखिए 2, इसकी वैल्यू थी n + 1, n + 1/2 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू है n/6, n+1, 2n+1। क्या कॉमन आ रहा है? n + 1/2 कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा? 2n + 1/2 प्लस 2n + 1/3। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा आपका? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप अंदर वाले पोर्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका काम बन जाएगा n + 1/2। एलसीएम ले ले तो यहाँ जाएगा 3, और इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर ले, 3n² + n + 2n + 1। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और काम हो गया। देखें आपने कितना आसान है, 3n² + 3n + 2n हो जाएगा 5n, और प्लस आपके पास आ जाएगा 1। अगर ये फैक्टराइज होता है तो ठीक है, अगर ये फैक्टराइज आगे फर्दर नहीं होता है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं, फिर आपको आंसर यही छोड़ देना है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एनसीईआरटी का, और मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज है आपकी 9.4। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 और 5 है, ये भी दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लें आप। 1, 5 है आपका, 5² + 6² + 7² अप टू कहाँ तक है? 20² तक। तो इसको कंप्लीट कर लें आप, इसको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट वैल्यू मत रख दें, 1² 2² 3² 4² 5² 6² 20² तो ये क्या किया मैंने, ध्यान से देखें आप, ये ऐड कर दिया, कहाँ तक ऐड किया? 1² 2² 3² 4² तो ये माइनस भी करना पड़ेगा आपको, 1² 2² + 3² + 4² ये क्या चीज़ है? ये सिग्मा है, किसका सिग्मा है? r² का, और r कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? 1 से लेके कहाँ तक हो रहा है? 20 तक, इसमें वो भी r² है,
और आर की वैल्यू कहां से कहां तक बदल रही है, वन से लेके फोर तक बदल रही है। ये आपका एस एस आ गया सम। अगर आप इसको एस कहते हो तो ये एस आ गया आपका। अब आर इक्वल टू वन से ट्वेंटी आर स्क्वायर, ध्यान से देखो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपके पास वो फॉर्मूला है आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू वन से लेके एन तक क्या हो जाएगा, एन टू एन 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 प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स। तो यही फार्मूला आप उसमें लगा दे, बस एन की जगह 20 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो 20 तक ही जा रही है सीरीज। और उसमें से माइनस कर दें इसको, तो ये भी वही है, सेम सीरीज है, पर फार्मूला आर इक्वल टू वन से लेके कहाँ तक है, फोर है, तो फोर लिखना पड़ेगा, फोर इंटू फोर प्लस वन। अब कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे जैसे आप करते हो, वैसे ही मैं भी कर दूंगा, तो उसमें कोई गलती हो तो माइंड करने की ज़रूरत नहीं, गलती कैलकुलेशन में हो कोई भी तो माइंड ना करें, क्योंकि क्लास में तो आपस में डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर तो कोई ऑब्जर्वर है नहीं मेरे पास। वन बाय सिक्स कॉमन ले लें और अंदर देख लेंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 2 इंटू 20 41, 41 हो गया माइनस, ये तो सिंपल है, मैं भी कर देता हूँ आप भी कर लेते हैं, 4 5 20 और ये हो जाएगा आपका 9, 20 इंटू 9 180। अगर माने आप चाहते हो कि 180 में से कुछ कॉमन ले ले, 6 जैसा कुछ कॉमन ले ले तो थोड़ा अच्छा रहे, ये कैंसिल भी हो जाएगा, और तो इसमें से भी 6 कॉमन लेना पड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा, और 3 इसमें से कॉमन ले लिया तो ये 7 हो जाएगा, ये 41 माइनस, उसमें से 6 कॉमन लिया तो वो 30 बचेगा, और ज़्यादा आसान करना हो तो 10 भी कॉमन ले लें तो ये 7 इंटू 41 ही रह जाएगा, तो 7 वन जा 7, 7 फोर जा 28, तो 287 माइनस 3 तो जाएगा आपका 284 और इंटू 10 तो 2840। फिर भी हो सकता है गलत हो तो माइंड ना करें, कैलकुलेशन आपका अच्छा कैलकुलेशन होंगी तो आई होप कि आप बेहतरीन कैलकुलेशन से इसको कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, ये था आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.4 का, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें सीरीज ऐसी दी है आपको 3 × 8, 6 × 11, 9 × 14 अप टू एन टर्म्स, है ना, अप टू एन टर्म्स। तो इसका टीआर क्या होगा, इसका टीआर होगा 3, 6, 9 का टीआर, और 8, 11, 14 का टीआर। तो 3, 6, 9 का कैसे निकालोगे, ए प्लस एन माइनस वन डी जो मैंने आपको बता दिया, 3 + (n-1)×3, 8 + (n-1)×, इसीलिए मैं कह रहा था कि इस तरीके से निकालना। कॉमन डिफरेंस कितने का इसमें, इस वाले में देखो 3 का डिफरेंस है, सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3r, ओ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ r आना चाहिए ना, यही मैंने कहा छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, 3r माइंड नहीं करें आप, ये हो जाएगा 3r + 5, तो ये आपका हो जाएगा 9r² + 15r। अब आपका जो फार्मूला है वो प्रॉम्प्ट फार्मूला, क्या फार्मूला है प्रॉम्प्ट, Sn की वैल्यू कितनी होती है, tr r इक्वल टू 1 to n, ठीक है, वजह मैंने बता रखी है, तो इसमें समेशन लगा दें आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 9r². अब दोनों के समेशंस सेपरेट कर देंगे, तो ये सेपरेट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 9r = 1 to n r² + 15
अब इनके जो सम के फॉर्मूले मैंने आपको शुरू में ही बताए हैं वो लगेंगे। ये हो जाएगा एन एन प्लस वन, ठीक, ओ सॉरी एन आएगा ना यहाँ, एन एन प्लस वन बाय टू। अब आप इसमें से कॉमन ले लें एन एन प्लस वन बाय टू, ये आपके पास आ जाएगा नाइन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और यहाँ आ जाएगा फिफ्टीन। ये कैंसिल कर दे, थ्री थ्री जा थ्री टू जा, एन एन प्लस वन बाय टू, ये हो जाएगा सिक्स एन प्लस थ्री प्लस थर्टी, तो सिक्स एन, देखिए सिक्स एन प्लस थ्री, और ये एलसीएम ले लिया थर्टी, तो थर्टी प्लस थ्री थर्टी थ्री, अपॉन में कितना आ जाएगा टू। और भी कॉमन ले लें इसमें से जो कॉमन निकलता है, तो थ्री इसमें से कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे आ जाएगा थ्री एन एन प्लस वन, यहाँ आ जाएगा टू एन प्लस इलेवन, और अपॉन में फोर। ठीक है, कैलकुलेशन में मैंने फिर आपको कहा है कि कोई मिस्टेक हो तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू माइंड, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है आपकी कैलकुलेशन का, कोई इशू हो जाता है, तो आप मेथडोलॉजी पे ध्यान दें, क्योंकि ना मेरे पास आंसर देखूंगा और मैं वेरीफाई करूंगा तो इट विल टेक टाइम एंड यू विल बी बोर्ड, और आप उसमें बोर होते रहेंगे, तो मैं आपके लिए वो परेशानी नहीं चाहता। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा, आगे का देखिए क्वेश्चन है सेवन। सेवन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज के अंदर सीरीज है, इसमें लिखा है वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस, ऐसे ही आपकी वो क्या बोलते हैं अप टू एन टर्म्स, आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन, इस टाइप के दो क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने फोर्थ क्वेश्चन नहीं किया, थोड़ा फोर्थ इससे अलग टाइप का है, इसलिए मैं फोर्थ आपको करता हूँ। देखिए ध्यान से, ये टी आर हो गया आपका, टी आर क्या हो गया, तो ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, सेकेंड दो टू स्क्वायर तक जा रहा है, थर्ड थ्री स्क्वायर तक जा रहा है, तो आर ऐसे होगा वन स्क्वायर टू स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा, आर स्क्वायर जाके रुक जाएगा। ये क्या हो गया, ये भी एक सम है, आपको मालूम है ना वन स्क्वायर से लेकर टू स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर का क्या सम होता है, इसका होता है एन बाय सिक्स एन प्लस वन टू एन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा आर बाय सिक्स आर प्लस वन टू आर प्लस वन, क्योंकि आर स्क्वायर तक जा रहा है, वन बाय सिक्स, इसको मैं पूरा एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप चाहें तो धीरे धीरे कर लें, ये आपका आ गया टी आर। हमें टी आर निकालना है क्या, नहीं, हमें तो क्या निकालना है दोस्तों, एस एन। एस एन क्या होता है, एस एन होता है टी आर, आर इज इक्वल टू वन से लेके एन तक, सीरीज के अंदर सीरीज है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो ये है आर इज इक्वल टू वन से लेके एन तक टी आर, तो ये हो जाएगा वन बाय सिक्स ब्रैकेट टू इन टू समेशन आर क्यूब समेशन थ्री आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, वन टू एन, आर की वैल्यू वन टू एन। ये हो गया आपका। अब आप इसमें देखें कि आगे क्या करेंगे, तो आगे इसके लिए इसमें जो सम के फॉर्मूले हैं वो लगा देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जो आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो फॉर्मूले लगा देंगे। तो वो फॉर्मूले क्या लिखे थे आपने, याद होंगे आपको, टू वन वन बाय सिक्स ब्रैकेट टू एन एन प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर प्लस थ्री, इसमें भी लगा दें आप फॉर्मूला एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स,
प्लस एन एन प्लस वन बाय टू। अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लें, अब यहां क्या बचेगा टू एन एन प्लस वन बाय टू, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा थ्री टू एन प्लस वन बाय थ्री, और यहां कुछ नहीं बचेगा, यहां पे वन बचना है, तो ये थ्री से थ्री अब कैंसिल भी कर सकते हैं आप, ये टू से ये टू भी कैंसिल कर दे, अब आपके पास आ जाएगा एन एन प्लस वन बाय ट्वेल्व, इधर सिंप्लीफाई कर ले एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन प्लस वन, तो प्लस टू, और इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो आपका आ जाएगा एन एन प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन ट्वेल्व। तो दोस्तों ये था इसका आंसर, किसका, जो क्वेश्चन नंबर आपका सेवन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर सेवन ही था, सेवन था, तो सेवन्थ का आंसर ये था। अब आपके मन में एक एक्साइटमेंट होगा कि क्वेश्चन नंबर फोर बहुत देर से आपने डिले कर दिया, तो मैं फोर्थ भी कर देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं हम। तो फोर्थ है वो आपका वन अपॉन वन इंटू टू, वन अपॉन टू इंटू थ्री, वन अपॉन थ्री इंटू फोर, वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन आएगा। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है करने का, वो मैं आपके सामने लाता हूँ। वन को लिख दें आप टू माइनस वन, इस वन को लिख दें थ्री माइनस टू, और इस वन को लिख दें आप फोर माइनस थ्री, आप ऐसा ना सोचें कि इसका टी आर क्यों नहीं लिखा, इसका टी आर लिख दूं मैं ऐसा वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन, फिर उसको ऐसा लिखूं वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर, और फिर इसका ऐसे ऐसा लिख दूं वन अपॉन सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर, आर इज इक्वल टू वन टू एन, ये गलत है, ये नीचे नहीं जाता सिग्मा, ये गलत है, ऊपर ही रहता है सिग्मा। तो आप ऐसा सोच रहे हैं कभी, तो ऐसा दिमाग से निकाल दें, आपको इसको थोड़ा सा, इसीलिए तो नाम है इसका स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें तो बहुत छोटा सा दिया है, रामानुजन का कार की जो सिक्वेंसेड सीरीज पे वर्क है वो भी स्पेशल सीरीज है, स्पेशल सीरीज स्पेशल फंक्शन सेपरेट कर लें तो ऐसा हो जाएगा, ये टू अपॉन वन इंटू टू, ये कैंसल, ये क्या आ गया आपके पास वन बाय वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर, वन बाय आगे वन बाय फोर माइनस वन बाय फाइव आएगा, वो तो बहुत सारा आता, वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करते हैं, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आगे वाले से हो गया, ये अपने आगे वाले से हो जाएगा, यहाँ तक सब कैंसिल हो जाएगा, एक तो शुरू का बच जाएगा और एक आखिरी की चीज़ बच जाएगी, तो शुरू का जो बचेगा उसको क्या लिख देंगे हम वन अपॉन वन, लिखना क्या है वो तो लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, है ना, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन यानी वन, और वो है वन अपॉन एन प्लस वन। ऐसा क्वेश्चन इंडक्शन में भी है, तो आप ये मत सोचे कि इसको इंडक्शन से कर देंगे या इंडक्शन वाले को इससे कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों एन अपॉन एन प्लस वन। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैं आपको लिख देता हूँ, आप उसको सेल्फ ट्राई करना, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आइडिया ऐसा है उसका वन अपॉन वन इंटू थ्री
1/3 × 5, 1/5 × 7, इसमें आपको इसका nth टर्म निकालना पड़ेगा, कभी दिया नहीं होगा तो मैंने जैसे nth टर्म का आइडिया दिया था 1/3 × 5, तो ये आ जाएगा आपका 2n-1 और ये आ जाएगा 2n+1, ये हो गया आपका। इसमें आप क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना, जो इतना डिफरेंस है ना ये 1 और 3 का, 5 और 3 का, 7 और 5 का, उससे डिवाइड और उससे मल्टीप्लाई करना, ये आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। डिनोमिनेटर में नो चेंज, डिनोमिनेटर तो वैसे ही आएगा ना। फिर इस वाले डिनोमिनेटर को आप ऐसा लिखना, ये जो 2 है ना ऊपर वाला, इसको लिख लेना आप 3-1, इस वाले को लिख देना 5-3, और सेपरेट करना ऐसे ऐसे करते जाना, ठीक है। और आखिरी वाले को ऐसा लिख लेना, आखिरी वाले में अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो 2n+ यहाँ से लिख देता हूँ, आखिरी वाला ऐसा है 2n+1 − 2n-1 अपॉन में वैसा ही है जैसा है, आप इसको सेल्फ ट्राई करना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपका 2n+1 1/2n+1, तो ये आ जाएगा 1 − 2n+1, तो 2n n/2n n/1 आएगा आपके पास 2n+1 n/2n+1 जैसा आंसर आएगा। आप इसको सेल्फ ट्राई करना और फिर मुझे लिख के बताना कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आपको nth टर्म दिया है, 8 में आपको nth टर्म दिया है n n+1 n+2, ये nth टर्म है, तो ये nth टर्म है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा n³। पहले इनको आपस में करना फिर इसको करना, तो ये हो जाएगा n³ + 3n² + n, ये आपका tn है। आपको क्या निकालना है, sn क्या होता है, r में लिखा मैंने, ऐसा लिखा हुआ है मैंने r = 1 से n tr, तो ये tn है, यहाँ r में लिख दो इसको, ये लिख दिया आपने, ये तो हो जाएगा r³ + 3r² + r। फिर तीनों के सिग्मा अलग अलग करना आप और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको अगर क्वेश्चन नंबर, फिर भी अगर डाउट हो तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, आप उस पर कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, फिर तो आप मुझे बताना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91968569805 6, तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं और आप अपनी समस्या बता सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 9 है आपका, tn = n² + 2^n। अगर आप इसको भी tr से ही करें अपन, तो ये क्या हो जाएगा, sn कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा टी आर r = 1 से लेके कहाँ तक, n तक, तो यहाँ हो जाएगा σ+2^r, तो सिग्मा सेपरेट हो जाता है, तो सिग्मा सेपरेट कर दिया, तो ये तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है वो लगा दो, n n+1 2n+1/6। ये वाली चीज आपको प्रॉब्लम दे रही तो घबराने की बात नहीं है, इसमें r की जगह पहले 1 डालो, फिर r की जगह 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर आप r की जगह n डाल दो, तो ये एक देखो जीपी बन गई ना, एक जीपी, तो ये इसका सम लिख दो, अब बस अब कुछ खास बचा नहीं इसमें, n n+1 2n+1/6 + यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा दे, a × r^(n-1)/r-1, ये जीपी के सम का जो फॉर्मूला है, a × r^(n-1)/r-1। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप रिवाइंड करके वही सुन लें जो मैंने कहा है, तो आपको उसका समझ आएगा। अब दोस्तों ये 9 था और अब आखिरी बचता है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 आपका क्वेश्चन है,
टी एन दिया है आपको, आसान सा सवाल है, 2n-1 होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लो। ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, 4n² - 4n+1, ये टी एन है। और एस एन क्या होगा, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n TR। तो बस यहाँ पे R लिख देना, 4r² - 4r+1, और सबको सेपरेट कर देना। सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, मैं आपको 1 का लिख देता हूँ, 4σr² 4σr, R की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, n तक, R की वैल्यू 1 से n तक। और इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर, इसका आंसर वो जो k वाली बात बताई थी मैंने, k का kn हो जाता है, तो यहाँ पे 1 का 1n हो जाएगा। आप जो मैंने शुरू में फॉर्मूले लिखे थे उसमें जो चौथे नंबर का फॉर्मूला, फोर्थ वाला, वो लगा है यहाँ पे, तो उसको ध्यान से समझ लेना, बाकी तो नो इश्यू। इसमें डायरेक्ट लगा देना और इसमें भी डायरेक्ट लगा देना रिजल्ट, बस इसका ध्यान रखना। वो जो चौथा वाला लिखा था मैंने, आर इज इक्वल टू 1 to n k, मतलब 1 रखेंगे तो कोई बदलेगा नहीं ना इसमें, इट विल रिमेन k, 1 रखोगे तो k रहेगा, 2 रखोगे तो k रहेगा, 3 रखोगे तो रहेगा, तो ये इसका आएगा kn। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और आंसर मिला लें। आपने अगर इतना सब कुछ देखा है तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, और जो कुछ सीखना भी चाहते हैं, और आपने काफ़ी सीखा। मैं, मेरी आपसे बस वही रिक्वेस्ट होती है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जिनको आप जानते हो, नहीं जानते हो, सबको पता लगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, तो इससे एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। और मेरी जो मेरा मोटिव है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा मोटिव है कि स्टूडेंट्स को सर्विस मिले, देश के स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो जाएं और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, देश को आगे ले जाएं। मेरी बेस्ट विशेस हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।